वेलकम टू ब्रेकआउट सिग्नल दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक देखने वाले जो आने वाले टाइम में लगभग आपको 20-30% प्रॉफिट देंगे। तो दोस्तों ये चार्ट पे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, उसके लेवल्स बता दूंगा, क्यों बाय करना चाहिए, क्या रीजन है उसके पीछे, ये सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना है, अभी मैं शुरुआत करता हूँ पहले स्टॉक से। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोटो पंप दोस्तों, ये काफी दिनों से हमने ये स्टॉक दिया था, उसके बाद ये स्टॉक स्पिल्ट हुआ था। यहाँ पे देख रहे यस लिखा है तो मतलब स्पिल्ट हुआ था 2x1 से, और यहाँ पे अभी करेक्शन आया, स्पिल्ट होने के बाद करेक्शन आया। मगर अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है इसमें, एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे काफी एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है और उसका भी ब्रेकआउट दिया है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, आप देख रहे हैं इसके पहले कभी भी इतना बाय किया नहीं गया। तो ये था इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूट ने बाय किया है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको आप CMP पे कल बाय कर सकते हैं, CMP पे बाय कीजिए, जो भी ओपनिंग प्राइस रहेगा उस पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 340 का। फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 403 और नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 450 का। तो दोस्तों ये दो टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टॉक है, यहाँ पे सेकंड स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे श्री पुष्कर केमिकल। आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पे कि ये काफी दिनों से लॉन्ग टर्म एक डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे इसने अभी बेस बनाया है और एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न आपको दिखेगा, एक ट्रिपल बॉटम जिसे हम कहते हैं, वो ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट आज इसने दिया है, एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। पहले भी काफी अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दोस्तों इसको भी बाय कर सकते हैं। CMP पे बाय करना है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो CMP पे अगर बाय करते हो आप तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 198 का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 218 का और 228 का, दो टारगेट है। इसके बाद भी ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न काफी अच्छा है, वॉल्यूम काफी अच्छा है, तो ये कल के लिए आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे सिगाची, जो कि हमने आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते। तो दोस्तों इस स्टॉक को लगभग हमने यहाँ पे 269 पे दिया था, अभी 371 है, ऑलरेडी यहाँ पे 40-50% तक ऊपर चला गया है, फिर भी अभी यहाँ पे क्यों बाय करने के लिए दे रहे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि IPO आया था इसका, उस टाइम से वो कंटिन्यू डाउन जा रहा था, मगर अभी यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है यहाँ पे और बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये एक लो लेवल पे आप बाइंग कर रहे हैं इस स्टॉक को, तो बाय कीजिए। CMP पे बाय कीजिए क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने ग्रुप पे बताया था, तब ये काफी अच्छा एक लो लेवल पे था, ये इस लेवल पे 354 पे, अभी 371 गए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है, आपको भी दिख रहा है वॉल्यूम ऑलरेडी इस लेवल पे आया था, अभी भी आ रहा है और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो ये आने वाले कुछ दिनों में आपको लगभग प्रॉफिट दे सकता है। तो पहला इसका टारगेट है 396 और नेक्स्ट टारगेट है 430 का। तो दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न भी बनते हुए दिखा, एक राउंडिंग बॉटम जिसे हम बोला जाता है, जो कि टेक्निकल का स्ट्रांग पैटर्न है, इसका आज ब्रेकआउट हुआ है, इसीलिए हम इसको बाय करने का सजेशन दे रहे हैं। आने वाले टाइम में ये लगभग आपको 500 तक जाने के चांसेस आप यहाँ पे चार्ट पे मिल गए हैं। तो दोस्तों ये था थर्ड स्टॉक। नेक्स्ट फोर्थ स्टॉक जो कि हम देखने वाले यहाँ पे प्राइकॉल लिमिटेड। प्राइकॉल एक काफी अच्छी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का अगर देख, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे ऑलरेडी एक वॉल्यूम आया है, और इसके बाद वॉल्यूम ड्राई होने के बाद यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया आज, जो कि एक लेवल ब्रेक कर नहीं पा रहा था काफी दिनों से, यहाँ पे इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया। तो दोस्तों इस स्टॉक को CMP पे बाय करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, काफी अच्छा एक 6% का अप गया है, तो CMP पे बाय कीजिए। 298 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 330 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 350 का, और लास्ट टारगेट रहेगा 366 का। दोस्तों ये काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, तो ये आपको आने वाले टाइम में लगभग 20-30% प्रॉफिट दे सकता है। आज का लास्ट और आखिरी स्टॉक जो कि आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है, काफी अच्छा कंपनी है ये वेस्ट कोस्ट पेपर। तो यहाँ पे आप देख रहे काफी दिनों के बाद
काफी दिनों को ये काफी अच्छे लॉन्ग टर्म में आपको दिख रहा है कि काफी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है, जो कि बार बार इस लेवल पे आने के बाद, इस लेवल के आने के बाद वो सपोर्ट ले रहा था, वो ऊपर जा रहा था। काफी दिनों तक तो वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ऊपर से भी ऊपर एक रेंज बनाई थी उसने, एक ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करके नीचे आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन को उसने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक कल ही इसको बाय करना चाहिए था, मगर फिर भी यहाँ पे आज भी फिर से इसने एक स्ट्रांग वॉल्यूम आपको नीचे दिखाई, उसके साथ कैंडल बनाई है। तो बाय कब करना चाहिए इस ये स्टॉक को, थोड़ा लेवल्स आप लिख के लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक आज इसने हाई बनाया 608 का। अगर कल यहाँ पे 608 ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 557 का, ठीक है। ये आपका रहेगा बाइंग का लेवल पहला वाला। अभी दूसरा लेवल क्या है, अगर ये 608 बाय क्रॉस नहीं करता तो बाय आने वाले 2-3 दिन में या 4-5 दिन में आपको बाइंग के लिए फिर से मिलेगा। बाइंग लेवल रहेगा 565 टू 545, ये 20 रुपए के लेवल है। इस लेवल में अगर आपको मिलता है तो बाय कीजिए, उस टाइम अगर बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 526 या 525 का पकड़ लीजिए, वो स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय करना है। मतलब अगर ये ब्रेक नहीं होता ऊपर तो नीचे के लेवल पे बाय करना है, अगर ये ब्रेक होता है तो कल ही बाय करना है। तो इसका पहला टारगेट यहाँ पे आपको 650 का मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 740 का। दोस्तों इसको बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, आने वाले टाइम में ये आपको सेकंड टारगेट जरूर देगा। तो दोस्तों ये थे आज के 5 स्टॉक, जो कि लगभग आपको 1 से 8 दिन में लगभग 20-30% प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। जो हमने स्टॉप लॉस बताए आपको, उसको आपको डेली यूज करना है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, अप्लाई करना है उसको और इस स्टॉक को होल्ड करना है अपने टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था आज का ब्रेकआउट स्टॉक का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।